डी श्री प्लस आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 के चैप्टर नंबर सिक्स के साथ हमने ऑलरेडी चैप्टर फाइव तक कंप्लीट कर लिया है एंड ये सीरीज़ डीजेएस के लिए हेल्पफुल होगी प्लस और भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या आपके लॉ स्कूल के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगी तो बिल्कुल मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अब तक मैंने फोर लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं, तो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में मैंने प्ले लिस्ट बना दी है और प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं टूडे इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस एलएलपी सीरीज़ तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम ठीक है तो चैप्टर सिक्स बात कर रहा है मैं कंट्रीब्यूशन के बारे में कंट्रीब्यूशन का जो सबसे पहला नंबर सेक्शन है वो बता रहा है कि फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्म क्या होगा ठीक है तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टनर वे कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल मूवेबल और इमूवेबल और इनटेंजिबल और अदर बेनिफिट टू द एल एल पी इंक्लूडिंग मनी प्रोमिसरी नोट अदर अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट कैश और प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस परफॉर्मड और टू बी परफॉर्म्ड यानी कि क्या बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं टेंजिबल मूवेबल इमूवेबल इनटेंजिबल और अदर बेनिफिट्स किस चीज़ की एल एल पी की जिसमें इंक्लूड क्या करेगा मनी प्रॉमिसरी नोट और अदर अग्रीमेंट भी इसमें इंक्लूड करेंगे ठीक है और जिसमें और वो किस चीज़ के लिए इंक्लूड करेंगे ताकि वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सके कैश या तो प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस परफॉर्म टू बी परफॉर्म्ड और टू बी परफॉर्म्ड और उस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए जो परफॉर्म्ड हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है ठीक है तो कंट्रीब्यूशन किस किस फॉर्म में हो सकता है टेंजिबल हो सकता है मूवेबल हो सकता है इमूवेबल हो सकता है इनटेंजिबल हो सकता है या कोई दूसरा बेनिफिट जो एलएलबी को मिल रहा है मनी या प्रोमेसी नोट के फॉर्म में या अदर अग्रीमेंट के फॉर्म में ताकि जिससे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैश या है प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूशन में कर लाएगी सबसेक्शन टू बोल रहा है कि जो भी मॉनिट्री वैल्यू होता है ना कॉन्ट्रीब्यूशन का मॉनिट्री वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ईच पार्टनर शेल बी अकाउंटेड फॉर एंड डिसक्लोज इन द अकाउंट ऑफ एल एल पी इन द मैनर एज मे वी प्रिस्क्राइब्ड यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन का मॉनिट्री वैल्यू होगा ना हर पार्टनर के लिए वो कैसे अकाउंट होगा या कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा वो एल एल पी के अकाउंट में बताया जाएगा और उसी मैनर में जैसे प्रिस्क्राइब किया जाएगा यानी कि मॉनिट्री वैल्यू जो भी होगा कॉन्ट्रीब्यूशन का सारे पार्टनर का वो अकाउंट होगा या डिस्क्लोज होगा अकाउंट में किसके अकाउंट में एल एल पी की ठीक है अब आते हैं सेक्शन नंबर थर्टी थ्री पे जो कि बता रहा है ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूशन का ऑब्लिगेशन क्या होता है तो द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी और अदर प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट और टू परफॉर्म सर्विसेज ऑफ एलएलपी एल पी सेल एज पर एलएलपी एग्रीमेंट ये भी कैसे डिसाइड होगा एल एग्रीमेंट यानी कि किसी पार्टनर की कितनी ऑब्लीगेशन है कि वो मनी कॉन्ट्रीब्यूट करे या अदर प्रॉपर्टी या अदर बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूट करे किसी एल में वो किस पर डिपेंड करेगा ये एल एग्रीमेंट पी पर ही डिपेंड करेगा सब सेक्शन टू हमें क्या बता रहा है ये बता रहा है कि अ क्रेडिटर ऑफ एलएलपी, एल विच एक्सटेंड क्रेडिट और अदरवाइज एक्ट इन रिलायंस ऑन एन ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब इन डेट एग्रीमेंट विदाउट नोटिस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टनर्स में इम्पोज ऑरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच पार्टनर यानी कि कोई क्रेडिटर है ठीक है किस चीज़ का क्रेडिटर है एल का क्रेडिटर ऑफ एल एल पी जो एक्सटेंड करता है क्रेडिट या अदरवाइज एक्ट कैसे करता है इन रिलायंस ऑन और ऑब्लीगेशन जो भी डिस अग्रीमेंट में डिस्क्राइब किया गया है ना चाहे उसको नोटिस हो या ना हो विदाउट नोटिस ऑफ एन कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उसका नोटिस उसके पास नहीं है तो वो इन्फोर्स करा सकता है ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच पार्टनर यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है नोटिस नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ की ठीक है यानी कि अगर कोई क्रेडिटर है एल का और जिसका क्रेडिट एक्सटेंड करता है इन रिलायंस टू दन ऑब्लीगेशन और अगर उन दो, दो पार्टनर के बीच में जो है वो क्या हो गया कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो और उसको नॉलेज नहीं है ऐसे कॉम्प्रोमाइज का तो फिर वो इन्फोर्स करा सकता है अपना ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच पार्टनर ठीक है ये हो गया सेक्शन नंबर थर्टी थ्री अब देखिए चैप्टर नंबर सिक्स हमने एक बार देख लिया बट दैट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट लेकिन अब जो हम चैप्टर नंबर सेवन स्टार्ट करने करने वाले हैं सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन चाहिए डी हो या कोई अदर एग्जामिनेशन हो तो ध्यान से सुनिएगा चैप्टर सेवन हमें फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के बारे में बता रहा है तो सेक्शन थर्टी जो है ये बताता है मैंटेनेंस किस चीज़ का बुक ऑफ अकाउंट का या अदर रिकॉर्ड्स का या ऑडिट का इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस के बारे में बताता है ठीक है तो कोई एल है वो क्या कर सकता है मेंटेन कर सकता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है और वो किससे रिलेटेड होना चाहिए वो रिलेटेड होना चाहिए हर साल के जो अफेयर्स होगी ना एल के चाहे वो कैश बेसिस पे हो या क्रूअल बेसिस पे हो ठीक है डबल एंट्री के हिसाब से जैसे कि अकाउंटिंग जिस बच्चों ने भी पढ़ा होगा जिस बच्चों ने भी कॉमर्स पढ़ा होगा उनको पता होगा ये डबल अकाउंटिंग क्या होती है तो उस हिसाब से जो है बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा ईच ईयर और वो अकाउंटिंग का सिस्टम जो है मेंटेन किया जाएगा और उसको जो रजिस्टर ऑफिस में भी हर साल जो है प्रिस्क्राइब मैनर में दे दिया जाएगा वहाँ पे भी उसको मेंटेन करना जरूरी है ठीक है फिर सब सेक्शन टू बोल रहा है जितने भी एलएलपी होंगे ना वो छः महीने के अंदर अंदर डेट याद रखिएगा कितने दिन छः महीने के अंदर अंदर कब से जिस दिन फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है वो एक प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ठीक है या सोलवेंसी फॉर सेट फाइनेंशियल ईयर एस एट द लास्ट डेट ऑफ सेट फाइनेंशियल ईयर सच फॉर्म मे बी प्रिस्क्राइब एंड सच स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय द डेजिगनेटेड पार्टनर ऑफ द एल एल पी ठीक है स्टेटमेंट कौन साइन करेगा एल एल पी का डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो साइन भी करेगा ठीक है तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जितनी भी एलएलपी हैं वो छः महीने के अंदर अंदर किस दिन से जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी का भी स्टेटमेंट बनाएंगे हर एक फाइनेंशियल ईयर का ठीक है और वो उसी प्रिस्क्राइब मैनर में होगा जैसे कि मैंशन है और वो साइन किसके द्वारा किया जाएगा हेड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा फिर सब सबसेक्शन थ्री रहा है जितने भी एलएलपी होंगे ना वो वो फाइल करेंगे विद इन प्रिस्क्राइब टाइम वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो उन्होंने बनाया है या सॉल्वेंसी स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी जो उन्होंने प्रिपेयर किया है सबसेक्शन टू के अंदर वो किसको सबमिट करेंगे वो रजिस्ट्रार को ईच ईयर उनको देना है उसी फॉर्म मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है उसके साथ फीस भी लगेगी जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है ठीक है फिर आता है सबसेक्शन फोर जो भी बोल रहा है अकाउंट जो भी है ना एलएलपी एल के वो ऑडिट करने चाहिए कैसे वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब किया यानी कि अकाउंट भी ऑडिट होगा फिर इसके साथ प्रोवाइजो है जो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे सकता है और एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी भी क्लास या क्लासेस ऑफ एलएलपी को फ्रॉम द रिक्वायरमेंट इस ऑफ दिस सब सेक्शन यानी कि इस सब सेक्शन का जो रिक्वायरमेंट है ना कि ऑडिट करवाना है रूल्स के हिसाब से उससे बच सकते हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे के ये बोल दिया है कि आप जो है आप इस चीज़ से एग्जेम्प्टेड हो तो फिर आपकी ये लाइबिलिटी नहीं बनेगी फिर सबसेक्शन फाइव बोल रहा है कि कोई भी एल है जो फेल हो गया है इस प्रोविज़न को कम्प्लाई करने के लिए तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी उसको फ़ाइन की पनिशमेंट तो मिलेगी उसके साथ साथ नॉट ले फाइन जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और विच में एक्सटेंड टू फाइव लाख रुपीज़ पाँच हज़ार रुपये से लेके जो है फ़ाइन पाँच लाख तक एक्सटेंड कर सकता है और जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना उस एलएलपी के उनको पनिशमेंट भी मिलेगी कितना पनिशमेंट विच नॉट बी लेजन टेन थाउजेंड विच में एक्सटेंड टू वन थाउजेंड यानि कि जो पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी है जो जो एल सबसे पहले देखिए इसमें दो पनिशमेंट दिया है यानी कि दो फाइंस दिए हुए हैं पहली जो फाइंस है वो एलएलपी के लिए फ़ाइन है यानी कि एलएलपी एल लाइबल है ना तो उसको फाइन भरना होगा तो एलएलपी एल लाइबल है उसको फाइन भरना होगा और उसका फ़ाइन जो है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेकर जो है आपका फाइव लैख तक एक्सटेंड करता है ठीक है दूसरी जो लाइबिलिटी है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की है यानी कि ये वाली लाइबिलिटी एलएलपी की है एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी जो यहाँ थोड़ा सा डायग्राम रुके मैं फिर से आपके लिए बना देती हूँ कि एलएलपी की जो लाइबिलिटी है ना एलएलपी की लाइबिलिटी ये है पच्चीस हज़ार से लेके पाँच लाख तक एक्सटेंड करेगी फिर जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी देखते हैं ठीक है डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी जो है, है। तो वो दस हज़ार से लेके इनकी एक्सटेंड करेगी वन लाख तक ठीक है तो ये याद रखिएगा लाइबिलिटी जो है एलएलपी की क्या है और डेजिग्नेटेड पार्टनर की क्या है दिस इज़ यू शुड रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज ये एग्ज़ाम में आ सकता है ठीक है अब देखिए अब जो है इस सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट आए हैं ठीक है वो भी हम देख लेते हैं तो सबसे पहला जो है सेक्शन नंबर थर्टी फोर जो था उसके सब सेक्शन फाइव में आया है और उसमें जो है सब सेक्शन फाइव को सब्सटीट्यूट कर दिया अब मैंने आपको पुराना वाला सब सेक्शन फ़ाइव क्यों पढ़ा है वो इसलिए क्योंकि हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि डी जी एस के एग्ज़ाम में जो है पुराना वाला आएगा या ये वाला आएगा बिकॉज़ ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो है फर्स्ट अप्रैल से इन्फोर्स हुआ है तो हम नहीं जानते कि ये वाला आने वाला है इसलिए आपको दोनों जानना ज़रूरी है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर अकॉर्डिंगली दे दीजिएगा तो ये जो सेक्शन नंबर थर्टीन है ये बहुत बता रहा है इसका सब सेक्शन फाइव में क्या हुआ कि कोई भी एल है जो फेल हो गया ना कंप्लाई करने के लिए प्रोविज़न सब सेक्शन थ्री का तो वैसे एल या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर लाइबल हो जाएंगे अभी यहाँ देखिए जो लाइबिलिटी का अमाउंट मैंने बताया था ना पेनल्टी यहाँ चेंज हो के वन हंड्रेड रुपीज़ ईच डे हो गया है और ये ईच डे कब तक देना है जब तक वो जो है फेल्योर कंटिन्यू होगा और मैक्सिमम वन लाख रुपीज़ ठीक है फॉर द एलएलपी एंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर अभी यहाँ क्या बोल रहा है दोनों के लिए सेम कर दिया कि वन हंड्रेड रुपीज़ ईच डे जब तक कि डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होता है लेकिन जो मैक्सिम लिमिट है वो एल एल पी के लिए वन लैख है और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसके लिए फिफ्टी थाउजेंड फिर सब सेक्शन सिक्स भी यहाँ पे है जो बोल रहा है अगर कोई भी एल एल पी फेल्स हो जा फेल हो जाता है सब सेक्शन वन टू या फोर थ्री का हमने ऊपर देख लिया अगर वन टू या फोर करने को फेल हो जाता है तो वैसे एल एल पी को पनिशमेंट कितनी मिलेगी नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज वे एक्स नॉट एक्सटेंड टू विच में एक्स इन फाइव लैख रुपीज़ यानी कि एल एल पी की जो यहाँ पर लाइबिलिटी है यहाँ पर बोल रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से ले फाइव लाख तक और जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो टेन थाउजेंड से ले कर जो यहाँ पे है वन लाख रुपीज़ तक यानी कि जो हमने ये पढ़ा था ना ये सिमिलर है वन टू एंड फोर के लिए लेकिन थ्री के लिए यहाँ चेंज हो गया कि हंड्रेड रुपीज़ ईच डे एंड मैक्सिमम लिमिट इज़ फिफ्टी थाउजेंड फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड वन लाख रुपीज़ फॉर एल एल पी ठीक है सिर्फ थ्री के लिए चेंज हुआ है फिर जो है हम देखते हैं और क्या चेंजेस आएँ तो सेक्शन नंबर थर्टी फोर में जो है ना सेक्शन थर्टी फोर के बाद थर्टी फोर ए भी इंसर्ट हुआ है और इसमें बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये नई अथॉरिटी है याद रखिएगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को कंसल्ट करेगी सेक्शन वन थर्टी टू ऑफ कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर और प्रिस्क्राइब करेगी क्या स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या है प्रिस्क्राइब करेगी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या है जो भी चार्टर अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट होता है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है सेक्शन नंबर थ्री के अंदर अपने एक्ट के चार्टर अकाउंटेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन उस क्लास या क्लासेस ऑफ एल के लिए तो जो है इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को और वो प्रिस्क्राइब करेगी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और जो रिकमेंड किया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा जो कि सेक्शन नंबर थ्री ऑफ चार्टर अकाउंटेंट एक्ट में दिया गया है ठीक है अब देखिए यहाँ सेक्शन थर्टी फाइव में भी अमेंडमेंट दिख रहा है लेकिन पहले इससे पहले हम ओरिजिनल सेक्शन देख लेंगे तो यहाँ पे एनुअल अकाउंट के बारे में बात हो रही है एनुअल अकाउंट क्या होता है तो जितने भी एल एल पी होंगे ना वो फाइल करेंगे एनुअल अकाउंट जो कि ड्यूली ऑथेंटिकेट होगा रजिस्ट्रार के द्वारा सिक्सटी दिन के अंदर अंदर जिस दिन से फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है यानी कि जितने भी एलएलपी है वो एनुअल रिपोर्ट फाइल करेंगे साठ दिन के अंदर अंदर साठ दिन के अंदर अंदर किस दिन से जिस दिन से फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर होता है उस मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है फिर सब सेक्शन टू बोल रहा है कि जितने भी एलएलपी हैं अगर कोई एलएलपी है वो अगर फेल हो जाता है कंप्लाई करने का इस सेक्शन के प्रोविजन से उनको फाइन um, uh, की पनिशमेंट होगी विच शिल नॉट बी लेस देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू फाइव लाख रुपीज़ यानी कि ट्वेंटी फाइव टू फाइव लाख रुपीज़ तक एक्सटेंड हो सकता है जितने भी एलएलपी अगर वो फेल हो जाएंगे कंप्लाई करने के लिए इस सेक्शन का तो फिर कितना होगा पाँच लाख रुपए से लेकर ट्वेंटी फाइव uh, यानी कि सॉरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेके पाँच लाख रुपीज तक फाइन हो जाएगा अगर आपने सिक्सटी डेज के अंदर अंदर जो है आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है और ये एल की लाइबिलिटी यहाँ बताई गई है फिर सब सेक्शन थ्री में बोल रहा है कि अगर कोई एलएलपी है जिसने कॉन्ट्रावीन किया इस सेक्शन के प्रोविजन को तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होंगे उस एलएलपी को किए उसको पनिशमेंट मिलेगा फाइन का जिस जो कि दस हज़ार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक होता है अगर एलएलपी ने कॉन्ट्रावीन किया है Uh, और डेजिग्नेटेड uh, पार्टनर भी है वहां पे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को दस हजार से लेके एक लाख तक ठीक है और एलएलपी को ट्वेंटी फाइव से फाइव लाख अब देखिएगा जितने हमने अभी तक पढ़े हैं आगे का मैं नहीं बता रही हूँ लेकिन अब तक जितने पढ़े हमने पनिशमेंट क्या देखी है एल एल पी के लिए अभी हमने सब सेक्शन थ्री का जो हमने थर्टी फोर में देखा था वो चेंज करके उसमें क्योंकि हंड्रेड रुपीज ईज डे का है बट उसके अलावा हमने क्या देखा कि ट्वेंटी फाइव से लेके फाइव लाख तक होता है एल एल पी का पनिशमेंट एंड टेन थाउजेंड से लेके वन लाख होता है इनके डेजिग्नेटेड पार्टनर का पनिशमेंट ठीक है अब आते हैं हम अपने अमेंडमेंट की तरफ जो हमने देखा था अब ये जो अमेंडमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं आप अमेंडमेंट दे रखा है नंबर फिफ्टीन में यहाँ बोल रहा है कि सेक्शन नंबर थर्टी फाइव में सबसेशन टू और सबसेक्शन थ्री को सब्सटीट्यूट किया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई एलएलपी फेल हो जाता है ना ये एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए तो फिर यहाँ पे पेनल्टी देखिए जैसे हमने देखा था कि चेंज हो गई है पेनल्टी वन हंड्रेड ईच डे और मैक्सिमम लिमिट जो है वो वन लाख रुपीस है एलएलपी के लिए और फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ है पार्टनर के लिए ये जो चेंज हुआ है थर्टी फोर में वो सेम चेंज थर्टी फाइव में भी है तो ओल्ड एक्ट का भी मैंने बता दिया और न्यू एक्ट का भी बता दिया जा तो ध्यान में रखिएगा ठीक है फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स जो कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ड बाय रजिस्ट्रार के बारे में बात कर रहा है तो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होंगे ना या जो नेम होगा पार्टनर्स का एंड चेंजेस इफ एनी मेड तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पार्टनर के नेम और उसमें कोई भी चेंज किया गया है तो तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी एनुअल रिपोर्ट जो भी फाइल किया गया है एल के द्वारा उसके रजिस्ट्रार के साथ वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा बाय एनी पर्सन उस मैनर में और उस पेमेंट के बाद जो भी फीस का प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है इंस्पेक्शन कैसे होगा तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ठीक है पार्टनर्स के नेम है या कोई चेंजेस उसमें हो रहे हैं ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है सॉल्वेंसी है एनुअल रिटर्न है जो कि फ़ाइल किया गया है एक एल के द्वारा ठीक है रजिस्ट्रार के पास वो अवेलेबल किया जाएगा इंस्पेक्शन के लिए बाय एनी पर्सन और उस मैनर में किया जाएगा उस फीस पेमेंट ऑफ फीस के साथ जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स के अंदर ठीक है ये बताया गया फिर थर्टी सेवन में बोल रहा है पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो उसकी पेनल्टी के बारे में बात हो रहा है तो अगर इन एनी रिटर्न स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय और फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी पर्सन मेक अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर नोइंग टू बी फॉल्स और ओमिट एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग टू बी मटेरियल यानी कि अगर कोई रिटर्न फाइल किया है स्टेटमेंट फाइल किया है या अदर डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है ठीक है जो किसी पर्टिकुलर मैनर में होने चाहिए लेकिन आपने क्या किया आपने फॉल्सली फॉल्स फाइल कर दिया ऐसे स्टेटमेंट या रिटर्न और आपको पता था कि वो आप गलत कर रहे हो या तो आपने ओमिट कर दिया कुछ करने को जो कि आपको करना था और जो मटेरियल फैक्ट था तो आ तो क्या होगा ही शायद सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट उनको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट की देखिए अभी तक हमने इम्प्रिजनमेंट नहीं देखा था इस एक्ट के अंदर लेकिन यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो दो साल दो साल तक पनिशमेंट मिल सकती है और फाइन भी मिल सकता है पाँच लाख रुपये तक और जो यहाँ पे फाइन है ये बोल रहा है कि एक लाख तो मिनिमम फ़ाइन आपको मिलनी ही मिलनी होगी यानी कि वन लाख से फाइव लाख यहाँ पे ग्रेटर पनिशमेंट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है अगर थर्टी सेवन में आपने पेनल्टी आपको मिल गई ना फॉल स्टेटमेंट दी आपने तो फिर आपको जो है दो साल की सज़ा और एक लाख से पाँच लाख का फाइन भी हो सकता है ठीक है फिर थर्टी एट बोल रहा है कि पार ऑफ द रजिस्टर टू ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन रजिस्टर के पास पार है कि वो किन कर सकता है तो इन ऑर्डर टू ऑप्टेन सच इन्फॉर्मेशन एज द रजिस्टर मेंउविजन ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रजिस्टर में रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी प्रेजेंट और फॉर्मर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन एल एल पी टू आंसर एनी क्वेश्चन और मेड एनी डिक्लेरेशन और सप्लाई एनी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स इन राइटिंग टू हिम विद रीजनेबल टाइम विद इन अ रीजनेबल टाइम यानी कि यहाँ पे क्या बोल रही बात हो रही है कि जब आप ऑप्टेन करना चाहते हो ना यानी कि रजिस्ट्रार अगर ऑप्टेन करना चाहता है इन्फॉर्मेशन ठीक है जो भी उसको लगता है कि ज़रूरी है तो रजिस्टार क्या करेगा किसी भी पर्सन को जो इंक्लूडिंग एनी पर्सन मतलब किसी भी पर्सन को चाहे वो फॉर्मर पार्टनर हो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो या इम्प्लॉई हो किसी एल का उसको बोल सकते हैं कि आप आंसर करो ऐसे क्वेश्चन को या डिक्लेरेशन मेट करो या सप्लाई करो सारे डिटेल्स जो भी मांग रहे रीजनेबल पीरियड के टाइम फॉर्मर पार्टनर को भी इंक्लूड किया जा सकता है एम में क्वेश्चन बन सकता है कोई भी पर्सन फॉर्मर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर एम्प्लॉय सबको बोला जा सकता है ठीक है सबसेक्शन टू बोल रहा है वैसे पर्सन के केस में सब जो सबसेक्शन वन में रेफर किया गया है डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन और मेक सच डिक्लेरेशन और सप्लाई सच डिटेल एज पर्टिकुलर आज बाय रजिस्टर विद इन रीजनेबल टाइम और टाइम गिवन बाई रजिस्टर और वेन रजिस्टर इज नॉट सेटिस्फाई विद द रिप्लाई ऑफ डिक्लेरेशन और डिटेल और पर्टिकुलर प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन रजिस्टर के पास पावर भी है कि वो सम्मन कर सकता है उस पर्सन को कि उसके सामने अपीयर हो जाए और कोई इंस्पेक्टर या कोई अदर ऑफिसर है जिसको रजिस्टर डेजिग्नेट किया गया है किया है ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने का या डिक्लेरेशन देने का या सप्लाई करने का डिटेल तो वो वैसा कर देगा यानी कि सिंपल में बोल रहा है अगर सबसेक्शन वन में जो किसी पर्सन ने जो रेफर किया है डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन अगर वो आंसर नहीं दे रहा है वैसे क्वेश्चन को या कोई ऐसा डिक्लेरेशन दे रहा है या कोई सप्लाई कर रहा है डिटेल्स ठीक है जो भी रजिस्ट्रार ने पूछा था रीजनेबल टाइम के अंदर तो क्या होगा और रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उस रिप्लाई या डिक्लेरेशन या डिटेल से ठीक है तो रजिस्टर के पास पावर भी है कि वो सम्मन कर सकता है उस पर्सन को कि उसके सामने अपीयर हो और इंस्पेक्ट करे किसी अदर पुलिस ऑफिसर को ठीक है होम द रजिस्ट्रार मे डेजिग्नेट किसी अदर पुलिस ऑफिसर को भी इंस्पेक्ट करने को बोल सकता है जिसको रजिस्ट्र डेजिग्नेट किया है कि आंसर दे वैसा क्वेश्चन और डिक्लेरेशन मेड करे या सप्लाई करे वैसा डिटेल ठीक है तो फिर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर वो सम्मान कर सकता है उसके सामने ला के अदर पुलिस ऑफिसर को आंसर देने के लिए ठीक है सब सेक्शन थ्री बोल रहा है कि कोई भी पर्सन है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ अगर वो फेल हो जाता है कंप्लाई करने का वैसे समन या रिक्विजिशन जो भी मेड किया गया रजिस्ट्रार के द्वारा तो फिर पनिशमेंट आपको मिलेगी जो कि दो हज़ार रुपये से लेके कर पच्चीस हज़ार रुपये तक होगी उस पर्सन की पनिशमेंट फिर सेक्शन थर्टी नाइन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में बोल रहा है और ये सेक्शन बहुत ही छोटा था बट अब उतना ही बड़ा हो चुका है तो पहले देख लेते हैं पुराना सेक्शन की सेंट्रल गवर्नमेंट कंपाउंड कर सकता है कोई भी ऑफेंस सेक्शन के अंदर जो दिया गया है और जिसको पनिशमेंट मिली है फाइन के लिए तो उसको ही कंपाउंड कर सकता है ठीक है बाय कलेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन रीजनेबल एक्सटेंड टू तो मैक्सिमम फाइन प्रिस्क्राइब फॉर द ऑफेंस ठीक है तो यहाँ सिंपली यही बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपाउंड कर सकता है कोई भी ऑफेंसेस एक्ट के अंदर जो भी पनिशेबल है फ़ाइन के लिए और कलेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन से जो रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि उसने वो ऑफेंस किया है ठीक है और वो एक्सटेंड कहाँ तक कर सकता है मैक्सिमम फाइन तक जो भी उस ऑफेंस के लिए है प्ले अब यहाँ देखिए इस सेक्शन को रिप्लेस कर दिया गया एक बड़े से सेक्शन के द्वारा जिसमें कि टोटल एट सब सेक्शन हैं तो यहाँ पे बात हो रही है जो भी रीजनेबल रीजनल डायरेक्टर होंगे या कोई अदर ऑफिसर होंगे जो कि रीजनल डायरेक्टर के रैंक के बिलो नहीं होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया गया वो कंपाउंड कर सकता है कि कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंदर जो कि पनिशेबल है इसे फाइन से या कलेक्ट किया जा सकता है वैसे पर्सन से जो रीजनेबल सस्पेक्टेड है कि उसने वैसा ऑफेंस किया है फाइन और वो फाइन जो है नॉट बी लोअर देन द मिनिमम अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर दिस है तो यानी कि कंपाउंड करके मिनिमम अमाउंट एटलीस्ट जो उस ऑफेंस के लिए है प्रिस्क्राइब वो लेके जो है रीजनल डायरेक्टर जो है वो कर सकता है कंपाउंड ठीक है वैसे रीजनल रीजनल डायरेक्टर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया गया है किया है अब बोल रहा है कि सबसेक्शन वन के कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं होगी वैसे ऑफेंस पे जो कि कमिट किया गया एल के द्वारा या उसके पार्टनर्स के द्वारा ठीक है या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स याद रखिएगा कि जो तीन साल तक एक बार कंपाउंड हो गया ना तो तीन साल तक फिर जो है वो अगर आपने सेम ऑफेंस किया तो फिर जो है आपको कंपाउंड नहीं कंपाउंडमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है और तीन साल जो है फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस वाज प्रीवियसली कंपाउंडेड वो फर्स्ट जिस दिन फर्स्ट ऑफेंस हुआ था उससे तीन साल काउंट किया जाएगा फिर जो है सबसेक्शन थ्री में बोल रहा है कि जितने भी अप्लीकेशन मेड किए जाएंगे ना कंपाउंडिंग के लिए ऑफेंस का वो किसको किया जाएगा रजिस्ट्रार को और वो फॉरवर्ड कर देगा उसको टुगेदर विथ हिज कमेंट्स ठीक है उसके अपने कमेंट्स के साथ उसको फॉरवर्ड कर देगा रीजनल डायरेक्टर को या अदर ऑफिसर को जो कि रीजनल डायरेक्टर के रैंक के बिलो नहीं होंगे और जो ऑथोराइज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है तो यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा है जो भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए एप्लीकेशन देंगे वो रजिस्ट्रार को मेट किया जाएगा और वो फॉरवर्ड किया जाएगा उसके कमेंट के साथ रीजनल डायरेक्टर को ठीक है या कोई ऑफिसर को जो कि रीजनल डायरेक्टर से नीचे के नहीं हो अब सब सेक्शन फोर बोल रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो कंपाउंड हो गया है सेक्शन के अंदर चाहे वो बिफोर हुआ हो या आफ्टर हुआ हो इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इंटीमेशन ठीक है कोई प्रोसिक्यूशन या इंटीमेशन के इंस्टीट्यूशन से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो तो वो किसको दिया जाएगा रजिस्ट्रार को दिया जाएगा सात दिन के अंदर अंदर उस दिन से जिस दिन ऑफेंस जो है कंपाउंड हो गया है तो जब कोई ऑफेंस कंपाउंड हो गया इस सेक्शन के अंदर चाहे वो पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो उस प्रोसिक्यूशन के इंस्टीट्यूशन के या इंटीमेशन के तो वैसा ऑफेंस जो है सात दिन के अंदर अंदर, अंदर कंपाउंड हो जिस दिन से वो कंपाउंड हुआ है ना उसके सात दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार या Uh, जो है uh, रजिस्ट्रार को जो है इंटीमेशन देना पड़ेगा उस चीज़ का ठीक है सेक्शन फाइव बोल रहा है कोई भी ऑफेंस है जो कंपाउंड हो रहा है बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूट इन रिलेशन टू सच ऑफेंस अब कोई ऑफेंस जो है कंपाउंड हो गया प्रोसिक्यूशन के इंस्टीट्यूशन से पहले तो फिर कोई प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं होगा उस ऑफेंस के रिलेशन में ठीक है जब कंपाउंड हो गया तो फिर क्यों इंस्टीट्यूट करना है प्रोसिक्यूशन है ना फिर सबसेक्शन थ्री बोल रहा है जब कोई कंपाउंड हो रहा है ना ऑफेंस वो इज मेड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन तो वैसा कंपाउंडिंग को रजिस्ट्रार के सामने लाना पड़ेगा राइटिंग में और वो कोर्ट के को नोटिस में भी लाना होगा जिसमें प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है और वैसे नोटिस जो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का देना पड़ेगा और जो ऑफेंडर इन रिलेशन टू विच ऑफेंस इज सो कंपाउंडेड उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ठीक है फिर सबसेक्शन सेवन बोल रहा है कि रीजनल रीजनल डायरेक्टर और जो अदर ऑफिसर है जो उस रीजनल डायरेक्टर से बिलो रैंक के नहीं है जो वो डील कर रहे होंगे प्रपोजल से कंपाउंड ऑफेंस के कंपाउंडिंग के प्रपोजल से जब वो डील कर रहे होंगे तो वो ऑर्डर से डायरेक्ट करेगा किसी पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर या अदर इम्प्लॉयी को एल के कि वो फाइल करे या रजिस्टर करे ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस और एडिशनल फीस एज रिक्वायर टू बी पेड अंडर दिस एक्ट वैसे रिटर्न अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब इन दैट ऑर्डर ठीक है एंड जो लास्ट सब सेक्शन बोल रहा है कि नॉट विस्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन दिस सेक्शन अगर कोई पार्टनर है डिजिग्नेटेड पार्टनर है एम्प्लॉई एल एल पी का जो फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए कोई भी ऑर्डर जो रीजनेबल डा, रीजनल डायरेक्टर के द्वारा या कोई अदर ऑफिसर के द्वारा मेड की गई है सब सेक्शन सेवन के अंदर तो मैक्सिमम अमाउंट जो है फाइन का ऑफेंस का वो जो है वो अंडर कंसिड्रेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर और सच ऑथराइज ऑफिसर और कंपाउंडिंग अंडर दिस सेक्शन वो शैल बी ट्वाइस अगर आप फेल हो गए तो जो जितना भी मैक्सिमम अमाउंट है उसका ट्वाइस हो जाएगा आपका फाइन याद रखिएगा दिस इज इम्पॉर्टेंट ठीक है सब सेक्शन सेवन का अगर फेल हो गए हो तो यानी कि ये करने से फेल हो गए हो फीस देने से एडिशनल फीस जो भी लगी है आप पे या डेजिग्नेटेड पार्टनर पे वो फेल हो गए हो तो डबल अमाउंट लगेगा ठीक है ये था हमारा नया वाला सेक्शन नंबर थर्टी नाइन जो कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है ठीक है अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे ये बात कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड के बारे में यानी कि रजिस्ट्रार क्या कर सकता है रजिस्ट्रार डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट जो फाइल की गई है या रजिस्टर की गई है फिजिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन अकॉर्डेंस विद सच रूल एज वे बी प्रिस्क्राइब ठीक है तो रजिस्टर किया कर सकता है डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी फाइल की गई है फिजिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ठीक है फिर सेक्शन नंबर फोर्टी वन क्या बोल रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटी टू मेक रिटर्न इटी अगर कोई एलएलपी है जो डिफ़ॉल्ट में है किस चीज़ के डिफॉल्ट में वो इस एक्ट के प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं किया है तो कोई भी प्रोविज़न जो है इस एक्ट का या अदर लॉ का जो रिक्वायर करता है फाइलिंग इन एनी मैनर विद द रजिस्टर एनी रिटर्न अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और गिविंग फॉल्स नोटिस टू हिम इन एनी मैनर और एनी रिक्वेस्ट टू द रजिस्टर टू अमेंड और कंप्लीट और रिसबमिट एनी डॉक्यूमेंट और सबमिट अ फ्रेश डॉक्यूमेंट अगर इन चीज में फेल हो गया ना किस चीज़ में इस एक्ट के प्रोविज़न को नहीं फॉलो कर रहा है कंप्लाई नहीं कर रहा है ठीक है रजिस्टर जो है कोई डॉक्यूमेंट रिटोन अकाउंट नोटिस देने की चीज़ ये सब फॉलो नहीं कर रहा कोई रिक्वेस्ट रजिस्टर को अमेंड करने के लिए कंप्लीट करने के लिए सबमिट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या फ्रेश सबमिट करने के लिए इन सब में फेल हो रहा है या फेल टू मेक गुड और डिफॉल्ट तो चौदह दिन के अंदर अंदर द सर्विस ऑफ एल एल पी ऑफ अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम इट टू बी डन तो जितने भी ट्रिब्यूनल है ना मे ऑन अप्लीकेशन बाय द रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के एप्लीकेशन पे ऑर्डर दे सकता है और डायरेक्ट कर सकता है किसी भी एलपी या डिजिग्नेटेड पार्टनर को या उसके पार्टनर को कि जितने भी डिफॉल्ट हुए ना उसको सही करो तुम उस टाइम के अंदर जो भी प्रिस्क्राइब किया गया होगा उस ऑर्डर में और वैसे ऑर्डर जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे ना कि ऑल द कॉस्ट और इंसिडेंटल ऑफ द अप्लीकेशन शैल बी बोर्न बाय द एल तो जितने भी कॉस्ट या इंसिडेंटल जो भी कॉस्ट होंगे अप्लीकेशन के लिए वो एल पे आएगा वो एल भरेगा और सब सेक्शन थ्री बोल रहा है कि इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है जो लिमिट करेगा किसी भी ऑपरेशन को इस एक्ट के कोई अदर प्रोविज़न के ऑपरेशन को इफेक्ट कुछ भी नहीं करेगा इस एक्ट में ठीक है या किसी अदर लॉ के भी प्रोविज़न को इफेक्ट नहीं करेगा जो कि पेनल्टी इम्पोज करती है डिफ़ॉल्ट के केस में एल के डिफ़ॉल्ट के केस में तो उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर सेवन ख़त्म होता है एंड दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ठीक है अब मैं जल्दी कल ही लेकर आऊँगी कल फर्स्ट हाफ में ही मैं आपके लिए अपना आगे का जो लेकर आऊँगी चैप्टर नंबर एट में तो बस एक सेक्शन है फिर चैप्टर नाइन जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर तो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर मैं कल ही कर दूँगी फर्स्ट हाफ़ में तो आप अच्छे से वो कर सकते हो ठीक है सॉरी फॉर द लेट वीडियो बिकॉज मैं कल ही एक वीडियो लाने वाली थी जैसे कि मैंने प्रामिस किया था बट प्रॉब्लम इसकी मेरा जो डिवाइस है जिसमें मैं रिकॉर्ड करती हूँ वो जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी या वो चल नहीं रहा था तो मुझे रिपेयर कराना पड़ा जिसके कारण जो है लेट हो गया सो सॉरी फॉर दैट बट मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और आपके पास काफ़ी Uh, मतलब आपको कुछ नहीं करना आप अगर आप ट्रैवल भी कर रहे होगे ना तो इसको बस आप कार में लगाओ स्पीड बढ़ाओ और सुनते जाओ आपके एम सी क्यू हो जाएंगे बाकी सब्जेक्ट में अज्यूम कर रही हूँ कि आपने कर लिया होगा तो एल एल पी के लिए जो है आप अश्योर्ड रहो अभी तक जितना मैंने करा दिया उसको रिवाइज़ करते रहो मैं कल फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टिगेशन पूरा कम्प्लीट करा दूँगी तो यहाँ तक जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं तो जो है अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए सो दिस इज़ ऑल फॉर यू Um, so this is advocate twinkleja signing off today's session thank you